बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलदम करा। लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कलदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाप्त की। बानी पीटीआई ने अपनी मुमकिन हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में धरनों और एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। पंजाब भर में दफा 144 का नफाज। महकमा दाखिला पंजाब ने जलसा जुलूस रैलियों धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद धरने को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तय। जमात इस्लामी का धरना पीटीआई के 2014 के धरने की तरह से होगा। धरने में रोजाना मुख्तलिफ डिविजन्स के 5000 अफराद 24 घंटे शिरकत करेंगे और कल लाहौर के 30 जून से 40 सदाई बसें अलग अलग रवाना होंगी। महंगी बिजली और भारी भरकम बिलों के खिलाफ धरना। जमात इस्लामी ने तारीखी पुरअमन एहतजाज की तैयारी तेज कर दी। लाहौर से कारकुनान और रहनुमाओं की रवानगी जारी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियालुद्दीन अंसारी कहते हैं, अगर हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल घरेलू अशिया फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और दीगर अशिया में भी जो है वो मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन सरदस्त जो हमारा मसला है वो बिजली के बिलों में और उसके टैरिफ में जो मुसलसल इजाफा हुआ है। हमारा मुतालबा ये है कि बिजली के बिलों की कीमत पाकिस्तानी कौम देना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर जो 13-14 किस्म के नजायज़ टैक्स आयद किए गए हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तहरीक तहफ़ आइन पाकिस्तान कल लाहौर में एहतजाज करेगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी एहतजाज में शिरकत करेंगे। लाहौर के तमाम सूबाई हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। टिकट होल्डर्स और अरकान असेंबली एहतजाज की क़यादत करेंगे। पीटीआई दफा 144 के नफाज के बावजूद एहतजाज के लिए तैयार। सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असकर गुज्जर कहते हैं, कारकुन तैयार रहें, पुरअमन एहतजाज करेंगे। बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज होगा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। लाहौर समेत मुल्क भर में तमाम गुड्स अड्डों पर बुकिंग बंद। शहर में अकबरी गेट और रावी रोड पर एहतजाजी कैंप कायम। सदर लाहौर नबील महमूद का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल मौखर। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन चौधरी साजिद अली ने कहा, हड़ताल की वजह से मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, इसीलिए हड़ताल मौखर की है। ऑल पंजाब टीचर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीचर्स के नुमाइंदा गवर्नर पंजाब और फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलकर लाए अमल पर काम करेंगे। टीचर्स की बड़ी तादाद ने नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहरे में ख्वातीन असातिज़ा की भी कसीर तादाद में शिरकत। इतनी इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फ़ायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। अभी हमारे जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मानेंगे इस बात को कि हमारे पास किसानों का भी पूरा डेटा नहीं है और बहुत दफ़ा डेटा फर्ज्ड होता है या वो हमारे जो भी हमारे पास जैसा भी डेटा है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, और अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा। सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की निकाब कोशाई की। तकरीब से खिताब में कहा, डेटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम का आगाज़ कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्कीम के हकदार बनेंगे। हर ज़िला से जुराइम का डेटा भी इकट्ठा होगा। ख्वातीन ड्राइवर्स और राइडर्स का तहफ़ यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम। वीमन सेफ्टी ऐप को क्रीम के साथ मुंसलिक करने पर इत्तेफाक। राइडर सर्विसेज की बेहतरी के लिए कानून मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला ने सर्विसेज प्रोवाइडर्स सेक्टर की बेहतरी के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़ की भी मुलाकात। टेली मेडिसन और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के आगाज पर बातचीत। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने विजन और अपनी सोच के मुताबिक
एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जो कि 28 फरवरी को ग्रुप बना, उसके बाद एक टेक्निकल ग्रुप बना जिसके अंदर पंजाब हुकूमत के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर PITB अर्बन यूनिट, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके साथ साथ जो पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसको शामिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशाहें, पंजाब हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे पास इस दफ़ा जो अपोजिशन आई है वो जितनी इमेच्योर और जितनी इस अपोजिशन ने जिस तरह इस असेंबली के डेकोरम को, आदाब को, पार्लियामानी रवायात के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो भी अपोजिशन का रुकन है वो खड़ा होकर बात करता रहा, मगर उसके बावजूद भी मलिक अहमद साहब ने इंतहाई तदब्बुर बुर्दबारी के साथ हमारे स्पीकर साहब उनको लेके अवामी फलाह के मंसूबे अपोजिशन को हजम नहीं हो रहे। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान की लफ्जी गोलाबारी, कहा कि अपोजिशन को पुरअमन एहतजाज का हक है लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। PTI दौरे हुकूमत में हिज्ब इख्तलाफ की बात नहीं सुनी जाती थी। मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है, मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है, सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है पिटीशन दायर होती है एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है। यहाँ पे अदालती टाइम खत्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की उस्मा बुखारी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, लाहौर हाईकोर्ट का उस्मा बुखारी को मामले पर FIA से रुजू का हुक्म। वज़ीर इत्तला'आत की लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मखसूस टोला सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। सदर नून लीग कल्चरल विंग पंजाब ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का वाकया, पुलिस ने अनीला रियाज उर्फ नीली परी को गिरफ्तार कर लिया। अनीला रियाज और नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिमा ने ताहिर अंजुम को कपड़े फाड़े और जान से मारने की धमकियां भी दी थीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाक चाइना इक्तसादी राहदारी मनसूबा फ़ायदा मंद है, राहदारी मनसूबा पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का IPPs माहिदों पर नज़रसानी का मुतालबा, कहा कि IPPs सरमायाकारी से ज़्यादा कमा चुके हैं, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कौमी मैशत के लिए तबाहकुन है, IPPs के बिजली पैदा किए बगैर कैपेसिटी चार्जेस की वसूली अफसोसनाक है। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का नया झटका देने की तैयारी, बिजली के फी यूनिट में 2.63 रुपये इजाफे का इम्कान, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेप्रा में दरख्वास्त दायर कर दी, नेप्रा CPPA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाप्त करेगा। पाकिस्तान से हुकूमत पंजाब से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने तो हमें रिलीफ देना था, तो रिलीफ में 200-300 यूनिट वो फ्री होने थे, 200-300 यूनिट फ्री की तो बात बड़ी दूर की है, आपने 80 रुपये का यूनिट कर दिया। हमारे हालात ये हैं, ताजर जो लोग हैं और हमारे जो वर्कर वगैरह उनके हालात ये हैं, तो कई जगह पे तो अब सुनने को मिल रहा है कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, मियां बीवी की लड़ाई हो रही है, माँ बाप बेटों की हो रही है, तो ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा। और सुना है कि कई पावर प्लांट जो है जो 0 यूनिट पैदावार जो है उनकी, उनको करोड़ों रुपये दिया जा रहा है। हुकूमत बिजली के बिलों पर नजरसानी करे, सदर बानो बाजार अनारकली सलमान खान की हुकूमत से अपील, कहा कि बिजली के बिलों से ताजिर और आम तबका शदीद मुतासिर है, हुकूमत ने 300 यूनिट फ्री देने का वादा भी पूरा नहीं किया। शदीद गर्मी और हब्स में लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब देगा, 21 फीडर से बिजली बंद, तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग, बिजली की बंदिश की वजह से शहरी परेशान।
और बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। FIA की इलेस्को अफसरान को सख्त वार्निंग। डायरेक्टर लाहौर सरफराज खान की ज़ेर सदारत इजलास। लेस्को कस्टमर्स सर्विसेज डायरेक्टर और आर्ट सर्कल के SCs को तलब कर लिया। कहा कि ओवर बिलिंग पर फौरी एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने विफाक को झंडी दिखा दी। बजट में कैश सरप्लस ना रखा। पंजाब KP और बलोचिस्तान ने 725 अरब रुपए की 55 अरब रुपए की गुंजाइश रखी। सिंध की वजह से कैश सरप्लस में 462 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होने का इम्कान। चीफ मिनिस्टर कंप्लेन, हेल्पलाइन की लागत 1.5 अरब से भी बढ़ा दी गई। हेल्पलाइन का एक साल का खर्च 59,72,54,000 और दूसरे साल 45,69,37,000 खर्च होंगे। तीसरे साल 50,13,00,000 खर्च होंगे। मस्नू महंगाई करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर में 3,114 मकामात की चेकिंग। 14 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। DC राफे हैदर के मुताबिक 127 दुकानदारों को 6 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। महकमा सेहत में काबिल अफसरान की कमी या हुकाम की बदनीयती। पिहोटा 2 साल से मुस्तकिल DG से महरूम प्रोफेसर शहजाद को 7वीं बार तौसी दे दी गई। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जैसे अहम इदारे को एडिशनल चार्ज से चलाया जाने लगा। पंजाब में 3,000 नर्सेज भर्ती करने का अमल शुरू। महकमे सेहत ने इश्तिहार शाया कर दिया। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि क्वालिफाइड उम्मीदवार 4 नर्सेज की आसामी के लिए जरूर अप्लाई करें। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि भर्ती के बाद अस्पतालों में नर्सेज की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। म्यो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को जायदुल म्याद इंजेक्शन लगाने का इंकशाफ। महकमा हेल्थ ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी वाकई की तहकीकात करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। सरकारी अस्पताल मरीजों को जिंदगियों से खेलने लगे। म्यो अस्पताल में जायदुल म्याद इंजेक्शन के मुतासरीन सामने आना शुरू हो गए। बिलालगंज का रिहायशी नुमान मुबैना तौर पर इंजेक्शन के बायस टांगों से माजूर हो गया। मुतासर नुमान का कहना है कि मैं तंदुरुस्त था, गलत इंजेक्शन लगने से माजूर हुआ। म्यो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को जायदुल म्याद इंजेक्शन लगने का मामला वाइस चांसलर के MEMU प्रोफेसर महमूद अयास की सरबराही में टीम का कैंसर वार्ड का दौरा किया गया है। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की है और इलाज मुआलजे पर इत्मीनान का इजहार भी किया। जनरल अस्पताल के मुआलजीन का बड़ा कारनामा। सरगोधा के 5 साल के बच्चे की जान बचा ली। पेशावराना महारत का मुजाहरा। एंडोस्कोपी प्रोसीजर से बच्चे के मैदे से चाबी निकाल ली। 5 साल अयान खान की नई जिंदगी मिलने पर वालिदैन का खुशी से इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत का मंसूबा खाक में मिल गया। 11 अजला में वेमन क्राइसिस सेंटर वीरान हो गए। 6 माह से वेमन क्राइसिस सेंटर की कोई 6 पर्सन तैनात ना हो सकी। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का मामले पर मौकफ देने से इनकार। लाहौर में 5 नई तहसीलें बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 10 तहसीलों की मंजूरी दे दी। न्यासपेक, शाहजा, जल्लो, नश्तर और सदर तहसील बनाई जाएंगी। 10 नई तहसीलों के क्याम से हुकूमत को 12,33,00,000 रुपए की आमदन मुतवक्के। पहली बार जानवरों का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइफ स्टॉक का अहम इकदाम। 9211 सिस्टम में नया तरीकाकार मुरतब करने का फैसला। रिकॉर्ड समेत मवेशी मालिकान को जानवरों की मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने सिस्टम बनाने का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर बराए अकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। हिंदू शादियों के रजिस्ट्रेशन का तफसीली जायजा लिया। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमाओं ने तजावीज पेश की। रमेश सिंह ने कहा कि शादियों के रजिस्ट्रेशन के अमल में मुकम्मल तआवुन फराहम करेंगे। पंजाब हुकूमत का कोर्ट फीस में इजाफा। हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत का चीफ सेक्रेटरी समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी। 8 अगस्त को जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी
मुआवनत के लिए बुला लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दरखास्त पर समाअत की। मारूफ अदाकार और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का वाकया। अदाकारा मथीरा खलीलुर रहमान कमर के हक में बोल पड़ी, कहा कि जाती इख्तिलाफात अपनी जगह मगर खलीलुर रहमान कमर के साथ ज्यादती हुई, मुल्जिमान को सख्त से सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। बदबख्त बेटे ने अपनी जन्नत उजाड़ दी। कहना में बेटे ने घरेलू झगड़े पर वालिदा को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला ने रजिया बीबी को बांधकर पहले तशद्दुद किया, फिर छुरी के वार से कत्ल किया। कोट लखपत पुलिस ने मुलजिम को कसूर से गिरफ्तार कर लिया। मुगलपुरा में शहरी शकील पर फायरिंग का वाकया। 7 रोज गुजर जाने के बावजूद मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। शकील की वालिदा के मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा, कहा कि मुलजिमान ने बहुत जुल्म किया, वजीर आला और आईजी पंजाब इंसाफ फराहम करें। चोहम में एएसआई वर्दी के नशे में आपे से बाहर। थाना रायवंड के एएसआई का भाई के हमरा 16 साल बच्चे आहद और इसके चचा पर तशद्दुद। एएसआई जावेद इकबाल ने उल्टा मुकदमा भी इन्हीं के खिलाफ दर्ज करवा दिया। पुलिस अहलकार जावेद इकबाल की फायरिंग करते हुए फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा। मोटरसाइकिल चोरों ने डीआईजी ऑपरेशंस के ऑफिस को निशाना बना लिया। दफ्तर की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पुलिस अहलकार की मोटरसाइकिल चोरी। हेड कांस्टेबल उस्मान सईद की मुदायत में मुकदमा दर्ज। आईजी पंजाब मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के मुतहरिक। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए से जायद फंड्स जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, संगीन अमराज का शिकार किसी अहलकार और अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहरियों का ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियत पर इजहार इत्मीनान। रवां बरस 53,22,000 से ज्यादा शहरियों ने ऑनलाइन सहूलत से इस्तफादा हासिल किया। घर बैठे 50,43,000 शहरियों ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस हासिल किए। बागात के शहर में मौसम के बदलते रंग, चिलचिलाती धूप की वजह से हब्स की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई। खेलों के शायकीन के लिए बड़ी खबर, वजीर आला पंजाब का आज़ादी तकरीबात शुरू करने का ऐलान। खेलों के मुकाबले और तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। खेलों के मुकाबलों में स्विमिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, दंगल और क्रिकेट शामिल हैं। मुल्की तारीख में पहली बार स्कूल हॉकी लीग और आज़ादी कप टूर्नामेंट का आगाज। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, स्कूल हॉकी लीग का मकसद कौमी खेल का फ़िरोग है। पहली मरतबा सरकारी तालीमी इदारे कौमी खेलों की बहाली के लिए नर्सरी बन रहे हैं। खेलों का फरोग मिशन हमारा। डीजे स्पोर्ट्स परवेज इकबाल का फुटबॉल ग्राउंड सगिया का दौरा। स्टेडियम में नाकिस सफाई पर बरहमी का इजहार, कहा कि ग्राउंड्स में ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स होते नजर आने चाहिए।